कैलकुलेटर ऐप से डिलीट हुए फोटोज और वीडियोस को किस तरह से वापस लाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ पूरा डिटेल के साथ, और वीडियो बताने में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर ऐप से डिलीट हुए फोटो और वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में वापस रिटर्न ला सकते हैं, अब वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरिफ और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। दोस्तों सबसे पहली ट्रिक जो आती है हमारी ये आती है दोस्तों, अगर हमारा मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेटर ऐप डिलीट हो जाता है तो ऐसे में आप सोचते होंगे कि यार भाई हमारा जैसे कैलकुलेटर ऐप डिलीट हो गया तो हमारी फ़ोटो और वीडियो भी डिलीट हो गई होगी। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेटर ऐप डिलीट हुआ है यानी इंस्टॉल हो गया है तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी तरीका। तो आपको सिंपली जाना है दोस्तों प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन से डिलीट हुआ था वही एप्लीकेशन का नाम आपको जाकर प्ले स्टोर सर्च करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर ऐप था और उसमें हमारे काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोस थे, ऐसे में वो हमसे डिलीट हो गया यानी यूनिस्टेल हो गया। तो ऐसे में दोस्तों हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली करना क्या है प्ले स्टोर पर जाना है, उसी ऐप का नाम सर्च करना है जो ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन में यूनिस्टेल हो गया। जैसे कि मैं आपको दोस्तों एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आप अपने मोबाइल वही एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो आपके मोबाइल फोन से डिलीट हुआ है। और दोस्तों आपको करना क्या है प्ले स्टोर पर जाना है दोस्तों। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च कर देना है कैलकुलेटर ऐप, जैसे कि मेरा मोबाइल फोन में कैलकुलेटर ऐप था और वहाँ से डिलीट हो गया तो हमारा डाटा था वो भी उसमें चला गया। तो अब हमें क्या करना है प्ले स्टोर पर कैलकुलेटर हाइड ऐप लॉक को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा जो ऐप हमारा पहले डिलीट हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों जैसे ही हमारे सामने ऐप आएगा तो हम इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, उसमें जो हमारा पासवर्ड होता है दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका पासवर्ड था पहले उस ऐप में लगा हुआ ऐसे में आपका एप्लीकेशन बिल्कुल खुल जाएगा यानी ओपन हो जाएगा। उसमें आपका डाटा फोटो और वीडियो है सारी आपके मोबाइल फोन में सेफ हो जाएगी यानी बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप उसे उसमें नया पासवर्ड बनाने के बाद उसे चाहे उसमें रख सकते हैं या फिर आप वहाँ से मूव करने के बाद दोबारा गेम नहीं बना सकते हैं। दोस्तों पहली ट्रिक तो दोस्तों हमारी ये थी, काफ़ी हेल्पफुल आपको ये ट्रिक रहेगी। दोस्तों मुझे कमेंट में जो बताना कि आपका कैलकुलेटर ऐप डिलीट हुआ था या आपके फोटो और वीडियो डिलीट हुए थे। तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी ट्रिक की। दोस्तों दूसरी ट्रिक जो है हमारी दोस्तों उसमें काफ़ी आपको ध्यान से देखना होगा, उसमें बिल्कुल भी आपको गड़बड़ी नहीं करनी देखने में, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी होगी। क्योंकि अगर दोस्तों आप उसमें थोड़ी बहुत भी वीडियो स्किप करते दोस्तों ऐसे में जो आपकी वीडियो है फोटोज है वो कैलकुलेटर ऐप से या फिर कोई से भी ऐप से आपके डिलीट हुए तो वो वापस नहीं आएंगे, वीडियो आपको पूरी ध्यान से देखनी है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जोर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैलकुलेटर ऐप के डिलीट हुए फोटो और वीडियो को वापस ला सकेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बिना देरी की। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने कैलकुलेटर हाइड ऐप से डिलीट हुए फोटो और वीडियो को वापस ला सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको अपने इस कैलकुलेटर ऐप को ओपन कर लेना है। ओके दोस्तों, जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, आपको अपना पासवर्ड वहाँ पर डाल देना है। ओके दोस्तों मैं यहाँ से इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको अपनी गैलरी में लेकर चलता हूँ और यहाँ से मैं अपनी कुछ फ़ोटो है, मेरे 4-5 फोटो है और एक वीडियो है, इन्हें मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इन्हें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इन्हें यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ओके दोस्तों मैं इन्हें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से। ओके दोस्तों यहाँ कन्फर्म कर देता हूँ ये हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है मेरे मोबाइल फ़ोन से। अब मैं आपको बताऊँगा इन्हें किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में दोबारा से वापस ला सकते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो दोस्तों अब हमें यह करना है, हमें सिंपली पहले आ जाना है यहाँ से बैक और फिर से हमें इस कैलकुलेटर ऐप को खोल लेना है और यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डाल देना है। ओके दोस्तों तो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको दोस्तों इस वाले फोल्डर में क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिसाइल बिन का ऑप्शन है, आपको इसे क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों तो यहाँ पर हमारे फोटो और वीडियो डिलीट होने के बाद इस फाइल में आकर सेव हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है रिसाइल बिन फाइल विल बी ऑटोमेटिकली क्लीन अप इन 10 डेज। दोस्तों इसका मतलब ये है अगर आप ये अपने यहाँ से फोटो और वीडियो को रिकवर नहीं करते 10 दिन के अंदर या 10 दिन तक तो आपके फोटो उसके बाद वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अगर आप 10 दिन के अंदर यहाँ से फोटो अपने मोबाइल फ़ोन में वापस से रिकवर कर लेंगे या वीडियो रिकवर कर लेंगे तो हो जाएगी, उसके बाद अगर करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बतलाता हूँ इन्हें किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन में ले जाकर सेव करेंगे, वो भी बहुत ईजी तरीके से। दोस्तों अब हमें करना क्या होगा, इन्हें अपने मोबाइल फ़ोन में वापस से मूव करने के लिए हमें
सिंपली इन पे क्लिक करना है, दबा के रखना है और इन्हें यहाँ पर टिक लगा देना है सब पर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिस्टोर और अगर लिखा हुआ है परमानेंट डिलीशन, तो आपको यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करना है। ओके दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके उसी जगह जाकर सेफ हो जाएंगे जहाँ से आपने डिलीट करें थे। मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारा गैलरी की फाइल है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ये 4-5 फोटो और एक वीडियो उसी जगह आकर दोबारा सेफ हो चुकी है जहाँ से मैंने आपको डिलीट करके दिखाई थी फोटोज। दोस्तों अगर आपके फोटोज़ को डिलीट हुए 10 दिन हो गए और 10 दिन से ऊपर हो गए, तो शायद मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे अगर आपके फोटोज़ वापस आ जाएंगे, उम्मीद है दोस्तों उससे ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, सभी मोबाइल फ़ोन में काम करता है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर। ओके दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सर्च करना है DIGGGER और फोटो रिकवरी, आपको ये सर्च कर देना है अपने मोबाइल फोन में। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ से अपने मोबाइल फोन में कर लेता हूँ इंस्टॉल। दोस्तों 1 MB का एप्लीकेशन है, काफ़ी जल्दी ये हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है और इसकी रीडिंग भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, 3.8 रीडिंग है इसकी, जो कि काफ़ी अच्छी रीडिंग होती है। तो दोस्तों हमारे मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हमें सिंपली यहाँ से ऊपर स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशन इसकी एलो कर देनी होगी। ओके दोस्तों, तो हमारे जो फोटो है हमारे मोबाइल फोन डिलीट हुए थे, यानी कैलकुलेटर ऐप से डिलीट हुए थे, ये चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन से ही डिलीट हुए हों, सारे फोटो हमारे इस एप्लीकेशन से रिकवर हो जाएंगे, हमारे सामने रिकवर होकर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसे हम वहाँ से रिकवर करने के बाद अपनी गैलरी में जाकर सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा हमारे फोटोज़ को और रिकवर होने में। अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर पूरी वीडियो, तो मैंने ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे रखी है, आप उस वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो पूरी वीडियो फोटो रिकवरी के ऊपर है, यानी फोटो वापस लाने के ऊपर है, डिलीट हुए फोटो वापस लाने के ऊपर है। उस वीडियो देखने के बाद आप अपने सारे फोटो को भी रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर एक बात है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन से फोटो फॉर्मेट या मोबाइल फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाता है, तो दोस्तों आपके फ़ोटो वापस नहीं आएंगे। अगर आपके मोबाइल फ़ोन से फोटो डिलीट हुए हैं, तो ही आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो वापस आएंगे। दोस्तों इस तरह से आप मेरी बताई गई ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने सारे फ़ोटो आप वापस आ सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, सेव कर सकते हैं लाके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे अगली नई वीडियो में।